हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, क्या आप साबूदाना का खिचड़ी बनाते समय आपका खिचड़ी चिपचिपा सा हो जाती है और खिली खिली से नहीं बनती है? तो आप ये वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि मैं आज बताऊंगी कि किस तरह से साबूदाना का खिचड़ी खिली खिली से बनाए जाते है और किन किन बातों को ध्यान देना पड़ती है और पानी कितना डाला जाता है, वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। तो चलिए बनाना सीख लेते हैं। साबूदाने की खिचड़ी बनाने के लिए सबसे पहले साबूदाने को भिगोना पड़ता है और हमने यहाँ 1/2 कप लिया है साबूदाने। और साबूदाने कई तरीके के होते हैं, और कोई पतला होता है, कोई मीडियम साइज़ का होता है, और कोई एकदम बड़े मोटे साइज़ का भी होता है। यह हमने मीडियम साइज़ का लिया है। और इनको भिगोने से पहले इनको अच्छे से धो लेना है। देखिए, ये सफ़ेद पानी दिख रहा है ना आपको, ये सफ़ेद सफ़ेद पानी, ये इनका स्टार्च है। ये अच्छे से निकालना पड़ता है और इनको कम से कम आप 3-4 बार धो लीजिए। 3-4 बार धोने के बाद ये सफ़ेद पानी ख़त्म हो जाता है। और इनको कम से कम आप 5-6 घंटे भिगो कर रखें, नहीं तो आप इनको ओवरनाइट भिगो कर भी रख सकते हैं। और इनको पानी कितना डाला मैं आपको दिखाऊंगी। पानी उतना ही डालना ताकि ये अच्छे से भीग जाए, ज़्यादा भी मत डालना, नहीं तो आप पानी ज़्यादा डालोगे तो ये पानी ज़्यादा सूख लेगा और आपका खिचड़ी एकदम चिपचिपा सा हो जाता है। देखिए, इतना ही डालना है बस, अब इनको छोड़ दीजिए। देखिए, हमने साबूदाना को ओवरनाइट भिगो कर रखा हुआ था, ये अच्छे से फूल गया है, कितना खिला खिला हो गया है। देखिए, अब ये खिचड़ी बनने के लिए तैयार है। अब ये अच्छे से गल भी गया है, मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए, चलिए आप इनको बनाना शुरू कर लेते हैं। हमने यहाँ 1 कच्चे केले लिए है। और ज़्यादातर लोग खिचड़ी में आलू डालते हैं, लेकिन मैं थोड़ा ये हेल्दी बनाना चाहती हूँ, क्योंकि हम ये व्रत में खाने वाले खिचड़ी बना रहे हैं और कच्चे केले में और ढेर सारे आयरन होते हैं, तो इसीलिए हमने कच्चे केले लिए। और इनको हम छोटे छोटे टुकड़े में कट कर देंगे। और इनको कट करने के बाद फौरन इनको फ्राई करना पड़ता है, नहीं तो ये काले पड़ने लगते हैं। इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े में कट कर लीजिए। लीजिए, हमने पूरा केले को कट कर लिया है, चलिए फ्राई कर लेते हैं। और यहाँ हमने थोड़ा सा घी डाला है, और आपके पास घी नहीं है तो आप व्रत में कौन सा वाला तेल खाते हैं आप उसमें इनको फ्राई कर सकते हैं। और इनको एकदम क्रिस्पी होने तक इनको फ्राई कर लीजिए। देखिए, इनको 2-3 मिनट भुनने के बाद ये अच्छे तरह से क्रिस्पी हो गया है और अच्छे से पक भी गया है। चलिए, अब इनको हम निकाल लेते हैं। और उसी पैन में थोड़ा सा घी डालेंगे और पीनट्स को भून लेंगे। और गैस का फ्लेम आप मीडियम टू लो में रख के इनको भून लीजिए। और कम से कम 1 मिनट जितना भुनने के बाद इनमें क्रैक आने लगेगा, देख लीजिए। इस तरह से आप इनको निकाल दीजिए। उसी पैन में हम फिर से थोड़ा सा घी डालेंगे, और थोड़ा गर्म होने के बाद इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून जीरा, और 2 लिया हमने मिर्ची, हरी मिर्ची आप कितना खाते हैं आप उसी के हिसाब से डालिए। और थोड़ा सा लिया है हमने कड़ी पत्ता, इनको चटकने दीजिए। और थोड़े चटकने के बाद इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून काली मिर्च को, और इनको भी हम थोड़ी देर भून लेंगे। और थोड़ी देर भुनने के बाद अब इसमें हम डालेंगे 1 मीडियम साइज़ का टमाटर। आप व्रत में टमाटर खाते हो तो डालिए, नहीं तो आप इनको स्किप कर सकते हैं। अगर खाते हो तो ज़रूर डाल लीजिए, क्योंकि खिचड़ी में अच्छे लगते हैं। और इसमें हम डालेंगे ये सेंधा नमक जो व्रत में खाते हैं। अब इनको थोड़ी देर भुनने के बाद इनको हम ढक्कन लगाकर थोड़े गलने के लिए छोड़ देंगे। लीजिए, टमाटर अच्छे से भुन भी गया है और गल भी गया है, और घी भी रिलीज करने लगा है। अब इसी टाइम हम डालेंगे ये फ्राई किया हुआ केले को, और साबूदाने को भी हम इसी टाइम डाल देंगे। इस टाइम आप गैस का फ्लेम एकदम हाई में रखिए और 1 मिनट तक इनको कंटिन्यू चलाते हुए इनको भून लीजिए। अब गैस का फ्लेम आप लो में मत रखिए, लोग इस टाइम ही गलती कर लेते हैं, लो फ्लेम में भून लेते तो ये नीचे चिपकने लगता है। और कंटिन्यू चलाते हुए इनको 1 मिनट भूनने का, देखिए ये कितना खिला खिला हो गया है। आप इसको ढक्कन लगाकर 5 मिनट के लिए हम इनको छोड़ देंगे एकदम लो फ्लेम में। चलिए, 4-5 मिनट हो गया है, देख लेते हैं खिचड़ी को। देखिए कितना खिला खिला ये खिचड़ी बन गया है। अब ये अच्छे से पक भी गया है, देखिए। अब इसमें हम डालेंगे ये फ्राई किया हुआ मूंगफली को, और अच्छे से इनको मिला लेंगे। और गैस का फ्लेम अब ऑफ कर देंगे। देखिए कितना बढ़िया हमारा ये खिचड़ी बन गया है, ये आपस में नहीं चिपक रहा है।
मैं आपको दिखाऊंगी ये कितना खिला खिला है। देखिए ये मोतिया जैसे चमक रहा है और इसमें हम थोड़ा धनिया पत्ता डाल लेंगे। ये हो गया है, लीजिए हमारा एकदम खिला खिला हुआ साबुदाने का खिचड़ी बनके तैयार हो गया है। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और पसंद आया हो तो एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।